ना बंसीना भाई, जमीन तो नहीं बेचनी। देख भाई जय नारायण, अब तो खेती भी नहीं हो रही इस जमीन पर। अरे तो क्या हुआ बंसी, धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है और ये सब काम जो है ना वो सारा गजेंद्र ही देखता है। पुश्तैनी जमीन है, दो बेटे हैं आशुतोष और गजेंद्र, हम उन पर कुछ थोपना नहीं चाहते। दोनों हमारे जिगर के टुकड़े हैं और दोनों में बहुत प्यार है और ये फैसला हम उन्हीं लोगों पे छोड़ेंगे। जी प्रणाम गजेंद्र भैया। नमस्ते। और आशुतोष कैसे हो? बस बढ़िया, एकदम अच्छे हैं। बस हफ्ते दो हफ्ते की बात है, सर्टिफिकेट मिल जाएंगे और फिर नौकरी के लिए जूता की साइज शुरू। बढ़िया है। अच्छा सुनो, कल हम आ रहे हैं कानपुर, कुछ ऑर्डर देना है और उसके बाद दोपहर को तुमसे मिलते हैं आके, फिर कुछ मंगाना तो नहीं है घर से? जी नहीं भैया नहीं, और वैसे भी हफ्ते दो हफ्ते में तो घर लौटना ही है कुछ दिनों के लिए। जी जी, भाभी और बाबूजी को हमारा प्रणाम कहिएगा और बबली को खूब प्यार दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलो कल मिलते हैं फिर, है ना? जी प्रणाम। हाँ कुलदीप। जी भैया। चलो हम निकल रहे हैं, तो सुनो कल जा रहे हैं हम कानपुर, टाइम पे दुकान खोल ले। ठीक है गजेंद्र भैया। आशुतोष, 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 आशु, आशु, आशुतोष, आशुतोष। करमपुर से बड़ा भाई गजेंद्र प्रसाद अपनी दुकान के सामान के लिए ऑर्डर देने कानपुर आया। उसने सोचा कि वो वहां पढ़ाई कर रहे अपने छोटे भाई आशुतोष से भी मिलने जाएगा। गजेंद्र जब आशुतोष के घर पहुंचा तो उसने आशुतोष को मरा हुआ पाया। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। अब इस हादसे से जुड़ी कई अजीबोगरीब और चौंकाने वाली हकीकत सामने आने वाली थी। हटिए पीछे, हटिए हटिए हटिए, जान दीजिए। गजेंद्र प्रसाद, गजेंद्र प्रसाद। हाँ सर, हमने आपको फोन किया था सर, ये हमारा भाई आशुतोष है सर। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैंने ना तो कोई चीख सुनी और ना ही कोई शोर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। और सर, हम यहाँ पास ही में रहते हैं, ना हमने कुछ अजीब देखा है और ना अजीब कोई सुना है, और सर कोई स्मेल भी नहीं आई है। चेहरा बुरी तरह से जला दिया गया। यस सर।
लेकिन घर के अंदर ही ये दारू की बॉटल, चखना और तीन तीन ग्लास। ताज्जुब की बात यह है कि घर में इतना बड़ा कांड हो गया और आस पड़ोस में किसी को खबर नहीं लगी। ये घर हमारे रिश्तेदार का है सर। पिछले 2 साल से आशुतोष यहाँ किराए पर रह रहा है, पढ़ रहा था यहाँ पे सर। वैसे तो हम लोग करमपुर के रहने वाले। आशुतोष अकेला रहता था यहाँ पे? हाँ सर। एक शराब की बोतल है, 3 गिलास हैं, इसका मतलब है कि आशुतोष अकेला नहीं था, उसके साथ 2 लोग और थे। और चेहरा एसिड से बुरी तरह से जला दिया गया है। हैरानी इस बात की है कि उसकी चीख पुकार आस पड़ोस में किसी ने नहीं सुनी। कल शाम को बात हुई थी सर उससे, सब ठीक था। ये उम्र थी कि उसकी जाने की सर। आशुतोष चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया है, लेकिन मौत एसिड से जलने की वजह से नहीं हुई है। यही कारण है कि चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं है। क्या वजह हो सकती है? खून में अल्कोहल के साथ किसी जानलेवा चीज के अंश पाए गए हैं। अरविंद पाइप्स भी चौक पाई गई है। गला घोटा गया? जी, 12 से 18 घंटा पहले मौत हुई है, या थोड़ा पहले। 12 से 18 घंटे पहले मतलब 13 अप्रैल की रात को हो सकता है? हो सकता है। आशुतोष के पिता आ चुके हैं। और आशुतोष का फोन अभी भी बंद है। एक काम करो, उसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। 012, ये तो कोई पिन कोड लगता है। सर 208012, ये पिन कोड तो जवाहर नगर इलाके का है। पता करो जवाहर नगर इलाके में एसिड की कितनी दुकानें, पक्का ही एसिड वहीं से खरीदा गया। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से आशुतोष को पहले जानलेवा नशीली दवाई पिलाई गई, शायद शराब में घुलकर, उसके बाद उसे गला घोटकर मारा गया और फिर तेजाब डालकर उसका चेहरा बुरी तरह से जला दिया गया। इसका मतलब कोई तो है जो सिर्फ उसे मारना नहीं चाहता था बल्कि दुश्मनी निकाल रहा था। हमारा बेटा बहुत ही शरीफ लड़का था, बीकॉम की परीक्षा उसने पास कर ली थी, वो भी फर्स्ट क्लास से, मार्कशीट का इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर भी कोई तो था जो उससे नफरत करता था, जो दोस्त की तरह रात को उसके घर पर आया, क्योंकि हमें उसके घर पर 1 शराब की बोतल और 3 गिलास मिले। मतलब आशुतोष अकेला नहीं था, उसके साथ 2 लोग और थे। सर आशुतोष की किसी दोस्त के साथ कोई लड़ाई थी ही नहीं सर। आप बता सकते हैं उसके ऐसे कौन से दोस्त हैं जिन्हें वो शाम को घर पर बुलाता हो, मतलब जिनके साथ वो शराब पीता हो? हमने तो उसके कॉलेज के 3 दोस्तों के बारे में सुना है बस। कौन है वो, नाम जानते हैं आप उनके? हाँ सर, हरीश, संजू और रवि सर। ये तीनों उसके साथ कॉलेज में पढ़ते थे सर, और फर्स्ट ईयर में उसके हॉस्टल के रूममेट भी थे तीनों। हरीश, रवि और संजू। आशुतोष के भाई गजेंद्र प्रसाद के बारे में भी पता करो। करमपुर के खबरियों काम पे लगा दिया सर। और आशुतोष के फोन रिकॉर्ड्स निकलवा। दोपहर तक हमारे हाथ में होंगे। ठीक है। हरीश भी 3rd ईयर बीकॉम का स्टूडेंट है, आशुतोष उसके क्लास में ही पढ़ता है। हमें उसका नंबर चाहिए। जी कैन आई? या प्लीज। उसका नंबर है 444567654। रवि और संजू मतलब संजय सिंह भी उसके क्लासमेट हैं। उन दोनों के नंबर भी दीजिए। जी, रवि का नंबर है 444-123-654 और संजय सिंह का है 444-748-452. थैंक यू।
सर, रवि, हरीश और संजू, ये तीनों दोस्त आशुतोष से लगातार टच में थे। फोन रिकॉर्ड्स में कोई बात कट गई? यस सर, एक नंबर है 444-98789। इस नंबर से आशुतोष को तीन कॉल्स आए थे। पहला कॉल 11 अप्रैल को और बाद में 13 अप्रैल को दो और कॉल्स आए थे। फिलहाल तो ये नंबर बंद है, लेकिन पिछले महीने के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी इस नंबर से आशुतोष को लगातार कॉल्स आते रहे। इसका नंबर है ये? सर्विस प्रोवाइडर को डिटेल्स भेज दिए सर, आज शाम नहीं तो कल सुबह तक पता चल जाएगा। आशुतोष को शराब में जहर मिलाकर दिया गया, फिर गला घोटकर उसे मारा गया, उसके बाद उसके चेहरे पर तेजाब डालकर उसका चेहरा पूरी तरह से जला दिया गया। अब तुम तीनों मुझे यह बताओ कि 13 अप्रैल की रात को उसके साथ कौन कौन था? मैं तो नहीं था। नहीं सर, मैं भी नहीं था। सर, मैं भी नहीं था सर। कौन था कौन नहीं था ये तो पता चल जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम तीनों में से अगर किसी ने झूठ बोला या कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो याद रखना, तुम तीनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। सर, आशुतोष हम सबका बहुत अच्छा दोस्त था। आशुतोष उस घर में शिफ्ट हुआ, उससे पहले हम लोग सब हॉस्टल में रूममेट थे। यकीन कीजिए सर, हम लोग उसके साथ ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकते। कौन सोच सकता है? आशुतोष के साथ ऐसा करने की सपने में कौन सोच सकता है? सर, हमें इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सर। हमारी दोस्ती सिर्फ कॉलेज तक ही थी। कॉलेज के बाहर उसकी क्या लाइफ थी, किससे दोस्ती थी या फिर किसी से दुश्मनी थी, तो इसके बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है सर। सर, सर उसकी दुश्मनी तो नहीं, लेकिन उसके प्यार के बारे में मुझे पता है। सर, उसकी गर्लफ्रेंड थी जिससे वो शादी करने वाला था। कौन है वो? सर ये तो नहीं पता, उसने नाम तो कभी बताया नहीं सर। अभी इतना भी क्या पत्नी व्रता हो रहे हो बे, कि उसका नाम भी जुबान पे नहीं ले पा रहे हो? फिक्र मत करो यार, तुम नाम की बात करो तो मैं सामने मिलवा देंगे, और फिर नाम भी पूछ लेना अपनी भाभी से। ओहो, बचपन का प्यार है क्या भाई? नहीं यार, लेकिन दिल के बहुत करीब है, जल्दी शादी करने जा रहे हैं। सर पता नहीं इस रिश्ते का आशुतोष के मर्डर से कुछ लेना देना है या नहीं, लेकिन मुझे याद आया इसीलिए मैंने आपको बताया। तुम दोनों को मालूम है लड़की कौन है? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता। नहीं सर, हमें तो कभी नहीं बताया उसने। इस कत्ल का कोई सुराग सामने आने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन ये प्यार वाला एंगल क्या सही दिशा में एक धुंधला सा इशारा था? क्या ये धुंध साफ होने वाली थी? क्या इसके पीछे कोई रास्ता था जो सुराग की ओर ले जाता हो? लफड़े का तो कुछ पता नहीं सर। आशुतोष के परिवार में कुछ? परिवार में ऐसा तो कोई लफड़ा नहीं है। जो आशुतोष है, इसकी माँ को गुजरे हुए 8 वर्ष हो गया। इसका बाप किसान है। लेकिन साहब, जमीन में इतना ज्यादा पैदावार नहीं होती। इसका जो भाई है गजेंद्र, इलेक्ट्रिक सामान बेचने की दुकान करता है। पैसा इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन कम भी नहीं है। भाई भाई के बीच कोई अनबन? ऐसा तो कुछ नहीं है साहब, गाँव वाले तो कहते हैं कि दोनों भाई बहुत प्यार करते हैं। अरे गजेंद्र, तू अपने छोटे भाई आशुतोष का बहुत ख्याल रखता। वैसे भी साहब, ये गजेंद्र तो शादीशुदा है, इसको 4 साल की बेटी है, क्या नाम है उसका, बबली। जमीन ज्यादा तो कोई पंगा तो नहीं? ऐसा तो कोई पंगा नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है साहब। आशुतोष की जिंदगी में कोई लड़की होती तो हमको जरूर मालूम पड़ता सर। पर आशुतोष ने अपने दोस्त से किसी लड़की का जिक्र किया था? पता नहीं सर, अगर कानपुर में कोई लड़की थी तो भी हमें बताता जरूर सर। हमसे और बाबूजी से खुल के बात होती थी सर। वो जानता था सर कि अगर किसी लड़की को पसंद करेगा तो हम लोग मना नहीं करेंगे उसको सर। ये पंकज सिंह कौन है आप जानते हैं? पंकज सिंह? हाँ सर, पंकज और आशुतोष तो बचपन के दोस्त हैं सर। हमारे गांव के रहने वाला है पंकज, हमारे घर से 2 घर छोड़ के रहता है। इस पंकज सिंह ने 11 और 13 अप्रैल की रात को आशुतोष से फ़ोन पर बात की थी। 13 अप्रैल की रात को इसके फ़ोन की लोकेशन आशुतोष के रूम के आसपास ही, और उसके बाद से उसका फ़ोन बना। ये
ये बोतल तो दुर्गा केमिकल्स की है, हम ही लोग उनको सप्लाई करते हैं, फिर वो अपना लेबल लगा के आगे बेचते हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये कहां पड़ता है दुर्गा केमिकल्स? यहीं पास में ही, जवाहर नगर में। जवाहर नगर, पंकज सिंह? हाँ, क्या हुआ, मिल गया आपको? 12 अप्रैल से वो गायब है, उसका फोन भी बंद है, हमने करमपुर पुलिस थाने में उसके बारे में शिकायत भी लिखाई थी। क्या बोलकर निकला था वो? बोल रहा था कि कानपुर जा रहा हूँ, एक दिन में लौट आऊंगा। बोला ना माँ, एक दिन में लौट आऊंगा। अरे पर तू कानपुर जा के ना, ये तो बता कि जा। कोई काम है माँ, हमारा मतलब है काम मिलने की उम्मीद है माँ, हम लौट के सब कुछ बताते हैं ना आपको, आप आशीर्वाद दीजिए। क्या काम था, किस काम की बात कर रहा था, कुछ भी नहीं बताया उसने? जी नहीं, हमने बहुत पूछा लेकिन उसने बताया ही नहीं। जी, ये हमारी दुकान की है। अच्छा ये बताइए, ये किसने खरीदी और कब खरीदी? एक मिनट, तो हाई ग्रेड केमिकल है, हम बिना डिटेल लिए इसे नहीं बेचते। चेक कीजिए। जी, ये देखिए, 13 अप्रैल सुबह 11:30 बजे पंकज के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई। 14 अप्रैल को गजेंद्र को अपने भाई आशुतोष की बॉडी मिली। सर कहीं आपसी साठगांठ का मामला तो नहीं है? मतलब पंकज ने पहले जुर्म किया, फिर उसने अपने परिवार वालों को बताया, और फिर पंकज के परिवार वालों ने पंकज की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा दी। एक काम करो, पंकज के पिता चंद्रभान के फोन रिकॉर्ड निकालो, हो सकता है पंकज ने इन्हें किसी अनजान नंबर से फोन किया हो, यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। पंकज के घर पर निगरानी रखो, हो सकता है वो रात के अंधेरे में उनसे मिल लिया। जी हो जाएगा, थैंक यू। ये देखिए, लाइसेंस का जेरोक्स लेके हम रख लेते हैं, ये 13 अप्रैल सुबह 11 बजे की खरीदी। पंकज सिंह, निवासी कर्म। जी हाँ संतोष, बोल। सर, वो ऐसे 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे कानपुर के दुर्गा केमिकल से पंकज सिंह ने खरीदा। ठीक है, पंकज ने 13 अप्रैल की सुबह 11 बजे कानपुर से एसेट खरीदा था, और 13 अप्रैल को ही सुबह 11:30 बजे पंकज के पिताजी ने यहाँ थाने में उसकी कंप्लेन दर्ज करा दी। सब कुछ बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया गया, पर क्यों, किस लिए? सर कहीं ये उस लड़की का मामला तो नहीं जिसका जिक्र आशुतोष का दोस्त संजू ने हमसे किया था? सर उसकी गर्लफ्रेंड थी जिससे वो शादी करने वाला था। मामला थोड़ा पेचीदा है लेकिन उसका कोई ना कोई ताल्लुक उसकी पुरानी बात से है। आई एम श्योर हमें इसका कोई ना कोई सुराग यहीं करमपुर से मिलेगा। Ha ha ha!
आशुतोष प्रसाद का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन पंकज सिंह जिस पर इस अपराध को अंजाम देने का पूरा शक था उसकी कोई खबर नहीं थी, वो लापता था। और फिर एक ऐसी जानकारी मिली जिसने आशुतोष हत्याकांड की जांच को एक नई रफ्तार दे दी। पंकज के पिता चंद्रभान सिंह के फोन रिकॉर्ड्स में कोई खटकने वाली बात नहीं मिली सर। कानपुर से किसी अनजान नंबर से कोई कॉल? नहीं सर, पंकज का फोन अभी भी बंद है, कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। आनंदलाल बोलो। साबी, पंकज तो अभी तक अपने घर के आसपास नजर नहीं आया है। उसके माँ बाप की कोई ऐसी हरकत जो शक पैदा करे? नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। पंकज का कोई अता पता? नहीं साहब, बस गायब है। और साहब एक बात और। क्या? कोई और भी गायब है। कौन? इसी गांव की एक लड़की रश्मि चौहान, वो भी गायब है। रश्मि चौहान? कौन है ये रश्मि चौहान? महेंद्र और कुसुम चौहान की बेटी है, सागर चौहान की बड़ी बहन है और पुलिस कांस्टेबल ब्रजेश चौहान की छोटी बहन है। कहाँ गई है? किसी को कुछ पता नहीं है साहब। पंकज गायब है और एक लड़की भी गायब है, रश्मि चौहान। सर, रश्मि चौहान कहीं वही लड़की तो नहीं जिसकी बात आशुतोष के दोस्त संजू ने की थी? Maybe. जी, रश्मि कहाँ है? रश्मि? रश्मि कहाँ है? वो अपने बड़े भाई ब्रिजेश के साथ गई है। ब्रिजेश, वो जो पुलिस में है? जी। कहाँ है? पता नहीं, किसी रिश्तेदार के यहाँ। आपकी बेटी इतने दिनों से घर से बाहर है, आपको पता नहीं किस रिश्तेदार के यहाँ गई है? क्या छुपा रहे हैं, बोलिए। कुछ नहीं छुपा रहे साहब। छुपा पाएंगे भी नहीं, वो जहाँ भी होंगे हम ढूंढ निकालेंगे। ये मत समझिएगा कि ब्रिजेश पुलिस वाला है तो हम नरमी बरतेंगे। ब्रिजेश को फोन लगाओ। जी बाबूजी। हाँ सागर, बोलो। भैया, पुलिस आई थी घर पे, रश्मि के बारे में पूछ रही थी। तुमने क्या जवाब दिया? बाबूजी ने कहा है कि आप उसे किसी रिश्तेदार के ले गए। ठीक है, चिंता मत करना। ब्रजेश ने पिछले साल ही कांस्टेबल के तौर पे ज्वाइन किया है। इस पूरे मामले से ब्रजेश का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। आशुतोष की हत्या, पंकज का भाग जाना और रश्मि का गायब होना। सर, कहीं ये कोई घरेलू मामला तो नहीं है? आई मीन ऑनर किलिंग टाइप। इस मामले की कड़ियां अभी भी नहीं मिल रही हैं। इस ब्रजेश ने अब तक जरूर कोई सॉलिड सा बहाना तैयार कर लिया होगा, देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ब्रजेश की बहन रश्मि चौहान का। हमारे किसी रिश्तेदार के घर है। कहाँ? किस रिश्तेदार के यहाँ? हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। कहाँ? कोई नाम पता तो होगा उनका। भदोही में केवल सिंह जी हैं, वो हमारे दूर के चाचा हैं। उनका फ़ोन नंबर दीजिए। वो बहुत बूढ़े हैं, फ़ोन नहीं रखते। आपकी बहन रश्मि के पास तो फ़ोन होगा, उनका नंबर दीजिए। हम जब घर से निकले तो वो अपना फ़ोन घर पर भूल गई थी। आपके दूर के रिश्तेदार हैं, इनका एड्रेस बताइए।
रश्मि चौहान है। रश्मि चौहान? मुझे तो उसे देखे हुए भी कई साल हो गए हैं। मैंने बोला ना आपको, रश्मि यहाँ नहीं आई है। देखिए, आपके भतीजे विजेश चौहान का कहना है कि वो रश्मि को यहाँ छोड़ के गया है। क्यों अचानक बेवजह उसे यहाँ छोड़ कर जाएगा? वो यहाँ नहीं आई है। ब्रिजेश, तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि तुम 10 अप्रैल को करमपुर गांव में थे। तुम पुलिस फोर्स में हो, इसलिए ये बात तो अच्छी तरह से जानते होगे कि अपराध को छुपाना नामुमकिन है। हम क्यों छुपाएंगे सर, हमने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि तुम इस अपराध में शामिल हो। तुम्हारी बहन रश्मि गायब है, तुम उसका पता बताने में पुलिस को गुमराह कर रहे हो। हमें इस बात की भी पूरी खबर है कि तुम आशुतोष और पंकज एक ही गाँव के और बचपन के दोस्त हो, इसलिए आशुतोष के कत्ल में तुम्हारे हाथ होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। रश्मि कहाँ है, पंकज कहाँ है, बोलो ब्रजेश। हमें नहीं पता सर। आशुतोष को किसने मारा? आशुतोष को किसने मारा, बोलो। पंकज सिंह ने आशुतोष को मारा है सर। एक सर, हमें नहीं पता कि पंकज कहाँ है, ना ही हमको ये पता है कि हमारी बहन रश्मि कहाँ पर है। सर, हमें बस इतना पता है कि आशुतोष को पंकज ने मारा। तुम्हें कैसे पता कि आशुतोष को पंकज ने मारा था? पंकज को आशुतोष को मारने के लिए मम्मी ने कहा था। रश्मि की लाश कहाँ? धन्यवाद संजीव। क्या खेल था ये? ये हत्या आखिर हुई क्यों थी? पंकज सिंह कहाँ है और रश्मि चौहान कहाँ है? ब्रिजेश ने कबूल किया कि उसी के कहने पर पंकज ने आशुतोष का कत्ल किया था, लेकिन उसका कहना था कि उसे पंकज और रश्मि का कोई ठौर ठिकाना नहीं मालूम था। किस किस्म का कत्ल था ये? ब्रिजेश चौहान ने अपने बचपन के दोस्त आशुतोष को अपने एक दूसरे दोस्त पंकज के हाथों क्यों मरवा डाला? आशुतोष के कॉलेज के दोस्त संजू का इसमें क्या हाथ था? क्या आशुतोष का भाई गजेंद्र प्रसाद भी इसमें किसी तरह से शामिल था? ऊपर ऊपर से ये एक ऑनर किलिंग का मामला लग रहा था, लेकिन इसके आसपास का मकर जाल गहराता जा रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई चौंकाने वाली बातें बेपर्दा हुई। पुलिस का सामना एक ऐसे शैतानी सॉन्ग से हुआ जिसने इस रची गई साजिश की और कई परतें खोल दी।
कल रात हम आपको दिखाएंगे इस पेचीदा हत्याकांड का दूसरा और आखिरी भाग। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद।